दीपा पाटिल साहब के अलावा और कोई नाम इस विमानतल को लगने ही वाला नहीं है। जिस इंसान ने अपने ज़िंदगी के पूरे 52 साल इस समाज के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस महाराष्ट्र के लिए, इस देश के लिए दिए हैं, अपने जीवन के अंत काल तक जो इंसान एम्बुलेंस में बैठ के किसी आंदोलन स्थल पे लगातार 3 दिन आता है, इस इंसान का अगर संघर्ष ख़त्म करना है इस दुनिया से, इस देश से, इस राज्य से, इस मिट्टी से जो संघर्ष ख़त्म करना है इन राजनीतियों को और इन अफसरशाहियों को, तो ये संघर्ष का नाम नहीं आएगा। लेकिन तो माय बाप सरकार है, आपका मुख्यमंत्री पद महाराष्ट्र का है, जनता का है और आपको राजा मानते हैं हम, तो राजा की तरह आप दानशूर रहिए, बड़ा मन कीजिए, दीपा के बारे में सोचिए, इसका उसका मत सुनिए जो अपने फायदे के लिए आपको बता रहा है और शिवसेना दांव पे लगा रहा है, उन लोगों का मत सुनिए। मैं बाला साहब का चाहता हूँ, मेरे रग में आज भी बाला साहब का खून है। मैं आपको इसी माध्यम से दूसरी बार बता रहा हूँ कि बाला साहब का अपमान होने से रोकिए, वचन देता हूँ आपके माध्यम से कि जब तक दीपा पाटिल जी का नाम इस विमानतल को नहीं लगेगा, मैं और मेरा समाज, मेरा गांव, मेरा तालुका, मेरा जिला, इस नवी मुंबई, मुंबई भूमिपुत्र सारे उठकर, जटकर, एक होकर और आंदोलन यहां तक कि दिल्ली तक जाने के लिए हम तैयार हैं। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।